भिवाड़ी के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। बतौर पुलिस अधीक्षक इनका यह पहला जिला पोस्टिंग है। मीडिया से बातचीत में बताया कि एटीएस में रहते हुए भिवाड़ी क्षेत्र में मुझे काम करने का अनुभव मिला था। पुलिस अधिकारियों के अनुभव का लाभ लेते हुए भिवाड़ी की जनता को सेफ और सिक्योर एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता 2022 के अनुरूप काम किया जाएगा। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास को लेकर काम किया जाएगा। भिवाड़ी जिले की जनता के लिए नए कप्तान ने कहा, मैं आपके साथ हूँ। भिवाड़ी मेरे लिए एक नया अनुभव है। एटीएस में रहते हुए मैंने यहाँ पे कुछ काम किया था, जब कुछ अपराध यहाँ पे हुए थे, और मैं अपने पुराना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, मेरे जो साथी हैं उनका अनुभव का फायदा उठाते हुए, मैं कोशिश करूँगा कि भिवाड़ी की जनता को सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, अपराधियों को भय लगे और अच्छे व्यक्तियों को जनता में जो है वो पुलिस के प्रति विश्वास जागृत हो। मेरी प्राथमिकता जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं 2022 हैं, उसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अपराधों कार्यप्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो अपराधी हैं या अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और अदालत में सजा उनको मिले, इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और जो शांतिप्रिय लोग हैं उनके लिए अच्छा वातावरण, ताकि वो अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें और उसमें उन्नति कर सकें, इस तरह का वातावरण क्रिएट करना ही मेरी प्रायोरिटी है। संदेश, मैं आपके साथ हूँ हमेशा।